आप शिवा, सो जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों को कंप्लीट द वर्ड्स करने के लिए दिया गया है, जो कि हम लोगों ने बच्चों को ये सब चीज़ें टॉट कर दी हैं, तो आज हम बच्चों को कंप्लीट करने के लिए देंगे। यस्टरडे हमने बच्चों को स्पेलिंग दी थी राइट करने के लिए, 5-5 वर्ड्स दिए थे राइट करने के लिए, जो कि आपके बच्चों ने किया होगा। देन आज हम बच्चों को देंगे कंप्लीट द वर्ड्स, कि जो हम बच्चों को टॉट कर चुके हैं वोवल साउंड ए ई आई ओ यू से, वो बच्चों को यहाँ पर उसी से रिलेटेड जो वर्ड्स हम लोगों ने बच्चों को टॉट किए हुए थे, जो हमने आपको दिखाया हुआ है बुक में बच्चों को लर्न करने के लिए दिया गया था, उन्हीं वर्ड्स में से मैं वर्ड्स लेकर आई हूँ और बच्चों को इसे कंप्लीट करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे कार की पिक्चर है, तो कार को कंप्लीट स्पेलिंग करनी होगी, तो सी ए आर कार। इसी तरह से यहाँ जार है, तो जार की स्पेलिंग कंप्लीट करनी होगी, जे ए आर जार। इसी तरह से नेट है, कप है, मैंगो है, पिन है, हैट है, जेट है, ड्रम है, ड्रम की स्पेलिंग डी आर यू एम ड्रम, जिप जेड आई पी जिप, ई वी डबल जी एग, कैट, अम्ब्रेला, एंट, आई, बस, काइट, बॉल एंड ग्रेप्स। तो इन दिस टाइप आज बच्चों को आप कंप्लीट द वर्ड्स करने के लिए देंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में बच्चों को हम डिक्टेशन करने के लिए देंगे। जैसा हम लोगों ने बच्चों को कल राइटिंग वर्क दिया हुआ था और क से लेकर ज्ञा तक राइट करने के लिए दिया हुआ था, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ इसलिए क्योंकि मैं भी अपने डॉटर को इसी चीज़ की प्रैक्टिस कराती हूँ। वही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को इसी अकॉर्डिंग टीच कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे अपने बच्चों को डेली आप होमवर्क करा सकते हैं। और ये करने के बाद एलकेजी का सिलेबस, जैसा कि इस चैनल पर एलकेजी का सिलेबस मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है, हम रिवीजन कराते रह रहे हैं क्योंकि हम अभी यूकेजी के लेवल का नहीं पढ़ाएंगे। यूकेजी के लेवल का हम स्टार्ट करेंगे लेकिन अभी नहीं, हम एलकेजी का पूरा कोर्स अपने बच्चों को सिलेबस को रिवीजन एंड रिवीजन करा करा के कई बार प्रैक्टिस कराएंगे। तो जो मेरे चैनल पे ये व्यूअर्स होंगे वो तो जानते ही होंगे कि मैंने अब तक सारा कुछ रिवीजन करा दिया, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, मैंने सब कुछ बच्चों को टॉट कर दिया है क्लास एलकेजी के बच्चों को, कि जो जो चीज़ें आती हैं। अब मैं रिवीजन और डिक्टेशन और राइटिंग पे ध्यान देती हूँ और जो मैं पढ़ाती हूँ उस पे ध्यान देती हूँ, एक एक चीज़ पे, कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं। तो आज आप बच्चों को डिक्टेशन बोलेंगे, तो डिक्टेशन आपको पता है कि क्या बोलना है, 2, 3 और 4 वर्ण वालों में से आपको डिक्टेशन बोलना है, लेकिन मैंने 3 वर्ण वाले दिए हैं तो मैं 3 वर्ण वाले आज डिक्टेशन बोलूँगी, जो कि मेरी डॉटर की बुक से, मैं उसे डिक्टेशन बोलूँगी डॉटर की बुक से। तो आप भी अपने बच्चों के पास, अगर आपके एलकेजी के पास बच्चे, एलकेजी के बच्चों के पास बुक होगी एलकेजी की, तो उनको एलकेजी की बुक से ही डिक्टेशन बोलेगा, वो भी 3 वर्ण वाले शब्द, ठीक है। देन आफ्टर बच्चों को आपको यहाँ पर मिसिंग कर दिया गया है, इसे कंप्लीट करना होगा, जैसे कि कमल है, रबड़ है, सड़क है, नमक है, बटन है और कमल है। तो इन दिस टाइप बच्चों का हिंदी का होमवर्क होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है टेबल। तो राइट टेबल टू, तो एलकेजी के बच्चे को सिर्फ 2 का ही टेबल आता है, तो आप 3, 4, 5 अगर लर्न कराते हैं तो अच्छी बात है, ये आपके बच्चे को ज़्यादा नॉलेज हो गई है, लेकिन अगर आपके बच्चे को 2 का भी टेबल आता है तो एलकेजी के लिए वो इनफ है। बस एलकेजी के में 2 का ही टेबल आता है, तो आप 2 का टेबल ही बच्चों को लर्न करा सकते हैं। देन आफ्टर बच्चों को मोर एंड लेस करने के लिए देंगे, तो जो मोर एंड लेस है वो मैंने बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन कर रखा है अपनी वीडियो में, बट आज भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, मोर के लिए बच्चे को टिक करना होगा और लेस के लिए बच्चे को क्रॉस करना होगा। तो वी विल मेक द सर्कल हियर जस्ट लाइक दिस, ओके। आपको भी इन दिस स्टेप सर्कल करना होगा। देन आफ्टर बच्चों को यहाँ पर काउंट करना होगा, तो हियर इज, बच्चे यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाउ मेनी केक्स आर हियर, तो ये जो बंस केक होते हैं छोटे छोटे वाले, ये केक्स है वो, तो यहाँ पर आपके बच्चे को काउंट करना होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 केक्स, तो बच्चे को यहाँ पर सर्कल में 6 राइट करना होगा। मैं नोट डाउन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपने डॉटर को ये कराना है, तो आप आई होप अंडरस्टूड हो गए होंगे। यहाँ पे 6 केक्स हैं, तो यहाँ पर 6 राइट करना है, यहाँ पर 1, 2, 3, तो 3। अब इसमें से मोर और लेस, ये तो नॉर्मल है, आपका बच्चा समझ जाएगा कि यहाँ पर मोर है और यहाँ पर लेस है। तो प्रैक्टिकली भी अगर जिनके बच्चे मोर एंड लेस नहीं कर पा रहे हैं, वो हमेशा मैंने बताया ना, प्रैक्टिकली जो चीज़ें आप समझाएंगे वो बच्चे बहुत जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो बच्चों को क्या पसंद होती है, चॉकलेट्स या व्हाटएवर, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो वो चीज़ें आप प्रैक्टिकली ले लीजिए और उनके पास उसे
मोर और लेस में रख दीजिए। जैसे आपके पास फाइव टॉफ़ीज़ हैं तो आपने थ्री टॉफ़ी वन साइड और टू टॉफ़ीज़ वन साइड कर दी। अब आप पूछेंगे बेटा इसमें से मोर कौन है और लेस कौन है, तो आपका बच्चा ऑटोमेटिक वो चीज़ सीख जाएगा मोर एंड लेस। मोर मीन्स ज़्यादा और लेस मीन्स कम होता है। तो यहाँ पे पिक्चर्स में इस पूरी अच्छी तरह से बच्चा समझ जाएगा कि यहाँ पर मोर है और ये लेस है। तो आई होप आप भी अंडरस्टूड हो गए होंगे कि आपको अपने बच्चों को किस तरह से एक्सप्लेन करना है। देन इसी तरह से बच्चे को यहाँ फ्लावर्स काउंट करने हैं, देन बटरफ्लाई, देन कप्स। तो एज यू कैन सी इन दिस स्टेप आप अपने बच्चों का आज का अपना वर्क होमवर्क देंगे आप बच्चों को। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।